बुलंद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल कांत शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए हैं। चुनाव जो है वो चालू है हरियाणा का और इनकी पार्टी काफी सारे कैंडिडेटों के साथ में इस बार रण क्षेत्र में है। सर क्या कहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूँ। साथियों, मैंने बुलंद भारत पार्टी से, बल्कि हमारी पार्टी ने, मैं अपना लिए नहीं कहूँगा, 15 उम्मीदवार के आसपास टिकट दी है जो पूरे प्रदेश में है 90 में से, और उनमें से हमने किसान, जवान और मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार? मुद्दे मैं बताता हूँ। देखिए, हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान रहेगा। किसान जो पिछले 2 साल से आपने पता है पूरे रोड़ों पे बैठा रहा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों को हम MSP के अलावा कम से कम 50% और इंक्रीज करके देंगे, क्योंकि जिस देश में किसान मजबूत होता है, किसान ही अन्न पैदा करता है और बिना अन्न के जीवन कुछ भी नहीं है, और किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को हम मजबूती प्रदान करेंगे। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या करें? नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे पास चुनावी मैनिफेस्टो में होता है मूव वुमेन एम्पावरमेंट को हम सशक्त करेंगे, उनके लिए नए नए रोजगार स्थापित करेंगे, उनको समृद्ध बनाएंगे, और उनके लिए जो हमारी बच्ची बालिका है, चाहे वो किसी भी वर्ग से सीमित हो, हम ये नहीं कह रहे EW से है या कोई वीकर सेक्शन है, कंप्लीट कोई भी किसी भी वर्ग की बच्ची हो, उसके लिए पहली क्लास से लेके उसके कॉलेज लेवल तक की शिक्षा टोटली मुफ्त करवाएगी सरकार। आप भी रण क्षेत्र में हैं, बुलंद भारत पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी तमाम सारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से मैदान में लड़ना या चुनाव लड़ना कितना आपको लगता है कि मतलब संघर्षशील है या कितनी मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना, इनसे तो चुनाव में खड़े होना ही अपने आप में बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है कि मैंने अपनी पार्टी बनाई, वहां इतने लोगों को इकट्ठा किया, संगठित किया, और उनके सामने आज हमारी पार्टी मैदान में और 15 व्यक्ति के आसपास खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नई पार्टी को इतना संघर्ष करना पड़ता है, जिसके जो है ना, मैं अगर व्याख्या भी करने लगूं तो कम से कम 2 घंटे लग जाए। नई पार्टी के पास कोई सिंबल नहीं होते, नई पार्टी के पास कोई संगठन नहीं होता, नई पार्टी के पास किसी तरह का फंड्स नहीं होता। इन बड़ी बड़ी पार्टियों में तो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले इतना इतना फंड देते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा था कितना फंड के थ्रू आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया था। तो उन पार्टियों के पास फंड है, फंड जिसके पास होता है, देखो पूंजीवाद, देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, एक जो है सामंतवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें सामंतवाद का और पूंजीवाद का खात्मा करना पड़ेगा, इसलिए बुलंद भारत पार्टी का गठन हुआ है। प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है और किस तरह से? देखिए, प्रशासन का अभी तो हमने चुनाव में नॉमिनेशन भरा, बाकी देखेंगे प्रशासन हमें कितना सहयोग देती है और राष्ट्रीय पार्टियों कितना सहयोग देती है। आपके कैंडिडेट हैं, बढ़कर से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेमचंद गौड़ जी, क्या कहेंगे उनके लिए? प्रेमचंद गौड़ जी इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आपने बताया कि 34 साल फौज की नौकरी करी है, और इन्होंने सामाजिक सेवा में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और इतने अच्छे व्यक्ति आना और इन फौज के व्यक्ति को यहाँ आना, ये अपने आप में एक उदाहरण देता है, और जनता के लिए, बढ़कर की जनता के लिए एक विकल्प है कि आपने कांग्रेस को देखा है, BJP को देखा है और बहुत से लोगों को देखा है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी 75 साल की उम्र है, इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि ये सेवा करने ही आ रहे हैं, इनका कोई पर्पज वो नहीं है कि क्या नाम कुछ पैसा कमाना या कुछ और करना, सिर्फ इनका पर्पज है कि लोगों को एक अच्छे व्यक्ति मिले ताकि लोग अपनी वोट वहाँ कास्ट कर सके, ना कि लोग नोटा पे करें। अच्छा, आपकी पार्टी से, बुलंद भारत पार्टी से जुड़ने का माध्यम क्या है, विकल्प क्या है, किस तरीके से ज्वाइनिंग की जाती है? देखिए, बुलंद भारत पार्टी से जुड़ने के लिए बुलंद भारत पार्टी का सेक्टर 16 में कार्यालय है, पार्टी के नंबर्स हैं, पार्टी का जो है ना मैसेज है, पार्टी गूगल पे है, आप कहीं से भी करके कॉन्टेक्ट करके पार्टी से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पार्टी ने जितने भी है ना, सब जो सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति, उन्हीं को टिकट दिए, हमने किसी पार्टी से आए हुए नेता को टिकट नहीं दिए। मैंने ये देखा है कि अभी कर्नल साहब भी बैठे हुए थे जो रिटायरमेंट हैं, और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं गौर साहब, ये भी एक आर्मी से हैं, और भी आपने बताया कि वेल एजुकेटेड जो कल्चर रखते हैं या वेल एजुकेटेड हैं उनको आप टिकट दे रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से क्या नीति रहेगी आगे की? देखिए, हमें चाहते हैं कि समाज में ऐसा व्यक्ति है जो समाज के बीच का हो। अभी हमने असम से एक किसान नेता है, 80 वर्ष के हैं, श्री प्रेमचंद जी साहूपुरा, वो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी जो है ना, उन्होंने कहा कि मैंने नेहरू से लेके मोदी तक का राज देखा, जैसी भ्रष्ट सरकार इस बार आई है, मोदी साहब ने तो किसानों से आज तक मीटिंग करना भी उचित नहीं समझा। तो वो भी किसान नेता भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं संघ में, और बहुत बढ़िया बहुमत से जीतेंगे।
तो कुणाल कांत शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद थे, बुलंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, जो कि इनकी पार्टियां हरियाणा क्षेत्र में कई कैंडिडेटों को चुनाव लड़वा रही है। दीजिए यार बने रहना, तो देखते रहिए आपका अपना टाइम न्यूज नेटवर्क।